गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर खानपुर। जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं या वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं या वेट को स्थिर रखने या ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं तो हमेशा प्रोटीन पर बात होती है। जो प्रोटीन है वो वेट लॉस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वेट मैनेजमेंट के लिए। अगर आपको वेट स्टेबल रखना है या आपको वेट लॉस करना है तो प्रोटीन पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। जब भी कोई डाइट ऐसी प्लान की जाती है जो वेट लॉस के लिए हो या वेट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हो, वो बिना प्रोटीन के उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। जहां तक प्रोटीन का सवाल है, जब आप प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी सेटाइटी बढ़ाता है, आपके पेट की जो फुलनेस है उसको बढ़ाता है, और चूंकि पेट की एक फुलनेस को बढ़ाता है तो आपका ओवरऑल जो इंटेक है फूड का वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, जो आपका ओवरऑल जो कैलोरी इंटेक है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। इसलिए जो प्रोटीन का इंटेक है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। नाउ जहां तक प्रोटीन का इंटेक है, अगर हम साइंटिफिक स्टडीज को देखें तो यह कहती है कि आपकी जो डाइट है उसमें 25-30% जो कैलोरीज है वो प्रोटीन से आना चाहिए। अगर आपकी जो कैलोरीज हैं वो एक चौथाई प्रोटीन से आ रही हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो वेट है या तो लॉस होगा या ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कि जब आप प्रोटीन कंज्यूम करें तो प्रोटीन में आपको लीन प्रोटीन लेने की जरूरत है। जब लीन प्रोटीन की बात हम करते हैं तो लीन प्रोटीन किसे कहते हैं? जो लीन प्रोटीन है वास्तव में वो प्रोटीन है जिसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होता है या ना के बराबर होता है। ये जो इस तरह का प्रोटीन है इसमें कैलोरी की मात्रा भी बहुत कम होती है। जो लीन प्रोटीन है आपके वेट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लीन प्रोटीन है आपके हार्ट के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, और जहां तक लीन प्रोटीन का सवाल है ये ओवरऑल आपके जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम जरा लीन प्रोटीन के जो चार सोर्सेज हैं इनके बारे में बात करेंगे। नंबर वन इज द एग्स। जो अंडे हैं वो लीन प्रोटीन के वास्तव में आइडियल सोर्स माना जाता है। ये आइडियल है वेट लॉस के लिए। जो एक आप एग इस्तेमाल करते हैं ये आपको 6 ग्राम प्रोटीन देता है, 6 ग्राम प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है एक्चुअली जब आप अंडे खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में एक थर्मल इफेक्ट देता है। ये थर्मल इफेक्ट जो है ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो आपने एक अंडा खाया, उससे आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिले। इन अंडा खाने से आपकी बॉडी को थर्मल इफेक्ट मिला, और थर्मल इफेक्ट मिलेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। नाउ जब आप ब्रेकफास्ट में एग खाते हैं तो आपको एक सेटाइटी आती है, आपको एक फुलनेस आती है। अगर आपको सेटाइटी आएगी तो आप लेटर ऑन इन द लंच या लेटर ऑन आप ओवर ईट नहीं करने पाएंगे। इसके अलावा जो हेल्दी हाई प्रोटीन आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो दिन भर आपकी जो अदरवाइज क्रेविंग होती है वो कम होती है, एंड आपकी जो ओवरऑल इंटेक है वो नीचे की तरफ आता है, तो वेट लॉस होता है। जो एक स्टडी थी, जो रिव्यू था विच वॉज पब्लिश इन 2016, इसने ऐसा माना कि अगर आप रेगुलरली एग्स कंज्यूम करते हैं इन द मॉर्निंग टाइम इन द ब्रेकफास्ट, ये आपके वेट को मेंटेन करता है, ये आपके बॉडी के फैट को मेंटेन करता है, इन आपकी ओवरऑल जो बीएमआई है या बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स, वो नीचे की तरफ रहता है। द सेकंड वन द ग्रीक योगर्ट। जो ग्रीक योगर्ट है वो स्पेसिफिक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। जो ग्रीक योगर्ट है वो हमेशा गाय के दूध से बनता है, काउ मिल्क से बनता है, एंड इसको वास्तव में स्ट्रेन किया जाता है ताकि इसका वे जो है वो अलग हो जाए। एंड जो ग्रीक योगर्ट है ये थिक होता है कंसिस्टेंसी में इन कंपैरिजन टू रूटीन योगर्ट जो हम नॉर्मली खाते हैं। तो जो नॉर्मल योगर्ट है उसके कंपैरिजन में जो ग्रीक योगर्ट है उसकी कंसिस्टेंसी हमेशा थिक होगी, क्योंकि इसका वे निकाल दिया गया है। जब आप इतना हाई प्रोटीन जो योगर्ट लेते हैं या ग्रीक योगर्ट लेते हैं ब्रेकफास्ट में, ये वास्तव में आपको एक फुलनेस की फीलिंग देता है, ये आपका कैलोरी इंटेक रिड्यूस करता है, इन ओवरऑल आप जो बाद में कैलोरी कंज्यूम करते हैं उनको भी ऑप्टिमाइज करता है, तो आपका वेट लॉस होता है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको ब्रेकफास्ट में ग्रीक योगर्ट इंक्लूड करना चाहिए। जो एक कप योगर्ट है उसमें 15-20 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिलता है, विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। नाउ द थर्ड वन इज द चिकन। चिकन लीन प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। जो लीन मीट है उनमें चिकन इज वन ऑफ द ग्रेट सोर्स। जो मेजॉरिटी कैलोरीज आती हैं लीन मीट की वो बेसिकली इसके प्रोटीन जो आपको मिलता है वो चिकन से मिलता है, एंड चिकन इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर वेट लॉस। इसके लिए आपको चाहिए स्किनलेस चिकन,
आपको चाहिए बोनलेस चिकन, जो बोनलेस चिकन ब्रेस्ट। ऐसा माना जाता है कि 100 ग्राम्स आप अगर चिकन ब्रेस्ट यूज करते हैं तो आपको 31 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 31 ग्राम्स, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। एंड कैलोरी की जो मात्रा है वो कुल होती है 165। तो अगर आपने 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाए तो 165 कैलोरी मिली और आपको प्रोटीन मिला 31 ग्राम। जब आप चिकन इस्तेमाल करते हैं तो आपको ग्रिल्ड चिकन इस्तेमाल करना है, या जो तंदूरी चिकन कहते हैं उसको इस्तेमाल करना है। जो डीप फ्राइड चिकन है, प्रोसेस्ड चिकन है, इससे आपको बचने की जरूरत है, कि उसमें प्रोटीन जरूर मिलेगा लेकिन उसके साथ में आपको बहुत सारे सैचुरेटेड फैट्स इन हाई फैट कंटेंट मिलेगा, विच इज अवॉइडिंग, विच जो आपको बचाना चाहिए। Now look at the fish, जो सलमन फिश है is supposed to be the best। ये पैक्ड होती है, इसमें प्रोटीन काफी मात्रा में होते हैं, इसमें हेल्दी फैट काफी मात्रा में होता है, पर्टिकुलरली ओमेगा 3 और विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो सलमन फिश जैसी आप यूज करते हैं तो आपको प्रोटीन भी मिलता है, आपको ओमेगा 3 भी मिलता है, इन विटामिन डी भी मिलता है। और अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन है वो नीचे की तरफ आता है, आपका जो इम्यून हेल्थ है वो ऊपर की तरफ जाती है, और आपका जो डाइजेशन है वो बेटर होता है। एंड अल्टीमेटली साइंटिफिक स्टडीज ऐसे मानती हैं कि आपका वेट लॉस होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर वेट लॉस करना है या वेट को मेंटेन करना है या वेट को ऑप्टिमाइज करना है, तो आपको एक स्पेसिफिक डाइट की पैटर्न चाहिए। और स्पेसिफिक डाइट की पैटर्न अगर आपको बनाना है तो बिना प्रोटीन के नहीं बन सकती। तो प्रोटीन आपको चाहिए, लेकिन प्रोटीन आपको चाहिए वो लीन प्रोटीन होना चाहिए। और जब लीन प्रोटीन की हम बात करते हैं तो चार सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज यही हैं जो आपको अपनी डाइट में, पर्टिकुलरली जो ब्रेकफास्ट है उसमें इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 1 इज द एग, जो आपको हेल्प करेगा। नंबर 2 इज द चिकन, जो आपको हेल्प करेगा। नंबर 3 ग्रीक योगर्ट, जो आपको हेल्प करेगा। और नंबर 4 फिश, पर्टिकुलरली सलमन, जो आपको हेल्प करेगी। तो आपको लीन प्रोटीन की जरूरत है अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट ऑप्टिमाइज करना है। लीन प्रोटीन का यूज वेट ऑप्टिमाइज करने के लिए, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।